हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक पहले के लेक्चर्स में हमने बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे रियर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग में जो पूरा एलिमेंट्री केनाल होता है उसका सबसे लास्ट पार्ट या पिछला भाग लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री केनाल का रियर मोस्ट पार्ट है, मतलब कि सबसे पिछला भाग है। ये 1 से 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसका डायमीटर लार्जर होता है, मतलब 6 to 7 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। उसका डायमीटर लार्जर होने के कारण ही इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। यहाँ ये पार्ट आपको सीकम दिख रहा है, ये पूरा पार्ट होता है कोलोन, और ये वाला पार्ट होता है रेक्टम, जो कि एनस के थ्रू इसकी बाहर की तरफ ओपनिंग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी के निचले राइट साइड से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डियोडेनम, जेजनम और ईलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है ईलियम, क्लियर। अब इस ईलियम की ओपनिंग कहाँ पर होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में ओपनिंग होती है। तो जहां पर ईलियम, सिकम और कोलोन ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक ऑरिफिस होता है, उसको हम बोलते हैं इलियोसीकल ऑरिफिस। उसी इलियोसीकल ऑरिफिस से ईलियम की ओपनिंग सिकम में होती है, और जहां पर ये ऑरिफिस प्रेजेंट होता है वहां एक वॉल्व भी प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व, जो उस छेद को या उस होल को कवर करता है, वो क्या है? इलियोसीकल वॉल्व। इसका फंक्शन ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलियम वाले पार्ट में ना जाए, इसलिए ये वॉल्व उसको रोकता है, मतलब फूड के बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने का काम इलियोसीकल वॉल्व करता है। अब हम इसके सबसे पहले पार्ट सीकम के बारे में डिस्कस करेंगे। सीकम एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल पार्ट से कनेक्ट रहता है। यहाँ देखिए, ये पूरा सीकम वाला पार्ट है जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट जो ईलियम होता है उससे ये कनेक्टेड रहता है, क्लियर। और ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके पीछे 9 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्लियर। अब पूरे सीकम की वॉल में इसकी जो म्यूकोसा होती है उसमें लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और इसकी वॉल में कुछ लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें लिम्फोसाइट नाम के WBC बनते हैं। फिर भी यह हमारी एलिमेंट्री केनाल का एक, जिसे हम बोलते हैं, इनएक्टिव और वेस्टिजियल पार्ट बनाती है। ये जो पार्ट होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है, ये वेस्टिजियल पार्ट होता है। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसकी ल्यूमन बहुत नेरो होती है। अगर जो अपेंडिक्स है इसकी ल्यूमन में म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसमें जनरली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपेंडिक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन गलने लगती है, और गैंग्रीनियस कंडीशन और इन्फ्लेमेशन के कारण जो भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है उसको पेन होने लगता है, फीवर होता है, भूख नहीं लगती है, ये सब उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। और इस डिजीज़ को हम क्या बोल देते हैं? अपेंडिसिटिस कहते हैं। इसको फिर ऑपरेशन के थ्रू ही निकाला जाता है, अपेंडिक्स को। अब सेकेंड पोर्शन आता है कोलोन। कोलोन को हम मेनली 4 पार्ट में बांटते हैं। ये पार्ट आपको असेंडिंग कोलोन दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ये डिसेंडिंग कोलोन होती है, और ये सिग्मोइड कोलोन होती है। कोलोन लगभग 1.3 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ये कॉइल्ड नहीं होती है बल्कि ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए रहती है। हमने इस डायग्राम में देखा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलोन पूरी तरीके से घेरे हुए रहती है, और ये उल्टे यू शेप या चूल्हे की जैसी शेप की होती है। ये उल्टा यू शेप होता है या फिर
चूल्हे जैसी आकृति की होती है ये, और इसको हम चार सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपको असेंडिंग कॉलोन दिख रही है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये जो ट्रांसवर्स कॉलोन होती है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और डिसेंडिंग कॉलोन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और सिग्मॉइड कॉलोन होती है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा पार्ट जो है वो असेंडिंग कॉलोन का है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी वॉल के लेटरल साइड में बहुत सारे मतलब पाउचेस के रूप में स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये देखिए आप, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं आप, ये क्या करते हैं इस ये जो इसकी गुहा होती है उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है इनके कारण, और इन पाउचेस को हम होस्ट्रा कहते हैं। ये दिख रहा है आपको सेगमेंट और होस्ट्रम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है इन्हें हम होस्ट्रम कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू यहाँ पर क्या होते हैं कि मसल्स स्ट्रैंड बन जाते हैं, और मसल स्ट्रैंड के इधर उधर ये होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। मतलब ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ये कि जो असेंडिंग कोलोन है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये असेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये हम देख रहे थे कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, और इसके जो मसल्स फाइबर होते हैं मतलब इसमें जो एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर होती है उसमें जो मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये देखिए ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के जो मसल्स फाइबर होते हैं वो तीन मस्कुलर बैंड्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई बोलते हैं। और कोलोन की जो वॉल है वो स्लाइटली फोल्डेड होती है, जिसको हमने देखा था अभी, उसमें स्मॉल पाउच लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम होस्ट्रम बोलते हैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म होती है होस्ट्रा। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें तो हम होस्ट्रा बोल रहे हैं, और जो मस्कुलरिस एक्सटर्नल लेयर होती है उसकी जो मसल्स फाइबर होते हैं वो तीन बैंड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई बोलते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हमने कोलोन के बारे में पढ़ा था। सीकम की एस्ट्रोलॉजी में क्या था कि ये वाली लेयर सिरोसा होती है, सिरोसा के बाद में मस्कुलरिस आती है, मस्कुलरिस के बाद में ये लेयर जो होती है वो सबम्यूकोसा होती है, और सबम्यूकोसा के बाद में यहाँ पर बीच में ये ल्यूमन आ जाती है। तो ये सीकम का एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। अब कोलोन के एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये टीनिया कोलाई दिख रहा है अपने को। टीनिया कोलाई हमने क्या बोला था कि जो कोलोन की एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर के मसल्स फाइबर जो होते हैं वो तीन बैंड मस्कुलर बैंड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्लियर? तो इसमें भी आपको ये म्यूकोसा लेयर दिख रही है, ये सब म्यूकोसा लेयर, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और ये टीनिया कोलाई, कोलोन का स्ट्रक्चर आता है। अब बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम 18-20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रेक्टम होती है, और इसमें लगभग 2.5-3 सेंटीमीटर जो लंबा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनल कैनाल बोलते हैं। ये रेक्टम वाला पार्ट है, और 2.5-3 सेंटीमीटर जो लॉन्ग पार्ट होता है उसे बोलते हैं एनल कैनाल बोलते हैं, जो एनस के थ्रू बाहर की तरफ खुलती है। और यहाँ पर दो एनल स्फिंक्टर मसल्स होती है जो एनस का कंट्रोल करती है, इसमें से एक अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली होती है। अंदर वाली इनवॉलेंट्री मसल होती है और बाहर वाली वॉलेंट्री मसल होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये एनस के बारे में भी पढ़ा है और रेक्टम के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ये इसकी हिस्टोलॉजी है, ये यहाँ पर म्यूकोसल फोल्ड है, ये कनेक्टिव टिश्यू रिंग है, और ये मस्कुलरिस है, और ये रेक्टम का हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। अब बात करते हैं हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंस की। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर स्मॉल होता है, होती है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बड़ी होती है लेकिन इसका डायामीटर कम होता है, इसका व्यास छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा है। और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर लार्ज होता है इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ड्यूओडेनम, जेजनम और ईलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, इसी कारण से वहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, और प्लीका सर्कुलरिस जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो विलाई और प्लीका सर्कुलरिस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो प्रेजेंट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं।
ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इसी कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है. क्लियर? तो प्रेजेंट एन इंक्रीज सरफेस एरिया, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं. टीनिया कोलाई और होस्ट्रा जो हमने पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखे थे वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं. पेयर पेचेस, हमने ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पढ़े थे, और इलियम में पेयर पेचेस प्रेजेंट होते हैं जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में पेयर पेचेस एब्सेंट होते हैं. क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करती है फूड का और एब्जॉर्प्शन भी करती है एंड प्रोडक्ट का, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वो भी सिर्फ वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स का होता है. तो आज हमारा एलिमेंट्री केनाल के पार्ट्स का पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. आगे के लेक्चर में हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड रहती है और कौन से हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.